उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र यूसर के स्टूडियो से मैं डॉक्टर ओम प्रकाश नौटियाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और चूंकि जैसे आज का युग कंप्यूटर युग है, आधुनिक युग में बिना कंप्यूटर के कुछ भी नहीं होता है, और इसमें जो है हमारे बच्चों को, हमारे जो दर्शक हैं, यदि वो कंप्यूटर के विद्यार्थी हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी है तब भी उनको आवश्यक हो जाता है कि कंप्यूटर के बारे में जानें। और कंप्यूटर का जो बेसिक है आज की डेट में, यदि लैंग्वेज के रूप में मैं यदि कहूं तो वो सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो मुख्य तौर पे हम उसे ही जाना जाता है। कि जैसे कोई अल्फाबेट होता है उसको हम सीखते हैं किसी भी भाषा के लिए, ऐसे ही प्रोग्रामिंग को यदि किसी को सीखना है तो हमको सी लैंग्वेज को सीखना परम आवश्यक हो जाता है। सी के द्वारा ही यदि कोई हमारा स्टूडेंट सी लैंग्वेज जानता है तो ऊपर के अन्य जो प्रोग्रामिंग है उनको कर सकता है, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, जावा हो, या सी शार्प जिसे सी हैस के नाम से जाना जाता है, कोई भी लैंग्वेज हो आप सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए परम आवश्यक हो जाता है कि पहले आपको जो सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग है वो आता हो। हमारे बीच इस प्रदेश के ख्याति प्राप्त हमारे प्रोफेसर एम के शर्मा साहब हमारे साथ उपस्थित हैं। इससे पहले भी आपसे रूबरू कई माध्यमों से हुए हैं, आप यूसर के साथ आते रहते हैं, तो आप अम्रपाली जो इंस्टीट्यूट हमारा उसमें आप प्रोफेसर के रूप में कंप्यूटर साइंस में कार्यरत हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब आप जो है हमारे बच्चों को ये जो सी प्रोग्रामिंग है उसके बारे में बताएं, उसका थोड़ा स्कोप तो बताएंगे लेकिन वो प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है एक सरल भाषा में ताकि हमारे बच्चे समझ सकें, और उसी के आधार पर जो सी प्लस प्लस है, जावा है या सी हैस जिसे कहते हैं, उनको भी प्रोग्रामिंग वो खुद कर सकें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप जो है हमारे बच्चों को इस लैंग्वेज के बारे में बताइएगा। सी प्रोग्रामिंग उसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ, जिससे कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उत्तराखंड के वो जो एक मूल भाषा कंप्यूटर की सी उसको थोड़ा जान सके, उस पर काम करना सीख सके और भविष्य में इस पर अच्छा और काम कर सके। तो जैसा कि आज का हमारा विषय है सी, और इसको हम कहते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी कंप्यूटर को जब आप चलाते हैं उसमें काम करते हैं तो आपको उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है सॉफ्टवेयर। जैसे आप एमएस वर्ड का यूज करते हैं या कैलकुलेटर का यूज करते हैं या किसी एक बैंक संबंधित कार्य करने के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह के जो भी रोजमर्रा के कार्य भी होते हैं अगर आप कंप्यूटर में करते हैं आपको सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है। सॉफ्टवेयर की जो एक परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो ये है कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बुक है, आपसे कहा जाए आपको एक बुक लिखनी है, किताब लिखनी है, तो बुक इज ए कलेक्शन ऑफ चैप्टर्स। किसी किताब में चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स से मिलकर एक बुक बनती है। ऐसे जो बड़ा सॉफ्टवेयर होता है उसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, यानी बहुत सारे प्रोग्राम को मिलाकर हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे हम कहें कि भाई ये वाला पार्टी कार्य करेगा, ये वाला पार्टी कार्य करेगा, ये वाला पार्टी कार्य करेगा। जब आप खाता खोलेंगे तो ये इस प्रोग्राम से होगा, जब आप लेन देन करेंगे तो इस प्रोग्राम से होगा, जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो इस प्रोग्राम से होगा, जब आप फंड ट्रांसफर करेंगे तो इस प्रोग्राम से होगा। अब हमने उन चारों प्रोग्राम को मिलाया और एक जगह रख दिया तो ये क्या बना? सॉफ्टवेयर। अब प्रोग्राम के बारे में क्या कहा जाता है कि प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है प्रोग्राम को चलाने के लिए, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। तो पहले आप प्रोग्राम बनाएंगे इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से और फिर बहुत सारे प्रोग्राम को जोड़ के आप उसका सॉफ्टवेयर बना देंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा चैप्टर, अब चैप्टर क्या है? चैप्टर इज अ कलेक्शन ऑफ लाइंस। किसी चैप्टर को लिखने के लिए आपको उसमें लाइन लिखनी पड़ेंगी, पेज लिखने पड़ेंगे, तब जाकर एक चैप्टर बनेगा। लेकिन जब आपको चैप्टर लिखना है तो उसके लिए आपको कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, बिना भाषा के तो आप कुछ लिख नहीं सकते, कोई ना कोई भाषा आपको सीखनी पड़ेगी ना। अगर आपको कोई भाषा नहीं आती अच्छे से, भाई बोलने में आते हैं लेकिन लिखने में तो आनी चाहिए ना। आपने कहा कि मुझे हिंदी बोलनी आती है, लेकिन कि आप हिंदी के इतने अच्छे विद्वान हैं कि आप एक हिंदी भाषा में एक अच्छा चैप्टर लिख सके, या आपको अंग्रेजी बोलनी तो आती है लेकिन कि आपको उसका ग्रामर, उसका सिंटैक्स, उसको पंक्चुएशन, वो सब अच्छे तरीके से आते हैं, तभी तो आप एक अच्छा चैप्टर लिख सकते हैं।
तो एक भाषा की अपनी विशेषता होती है, लैंग्वेज की विशेषता होती है। अगर आपको नॉर्मल भाषा में एक चैप्टर लिखना है तो पहले लैंग्वेज को अच्छे से सीखना पड़ेगा, तब आप उस चैप्टर को लिख सकते हैं, चाहे वो अंग्रेजी में लिखे या हिंदी में लिखे। ऐसे अगर आप कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी पहले, वो कोई भी हो। अगर वो लैंग्वेज आपने सीख ली तो आप उस लैंग्वेज के माध्यम से कंप्यूटर का एक प्रोग्राम लिख सकते हैं, और फिर बहुत सारे प्रोग्राम लिख के आप क्या कर सकते हैं, उसको सॉफ्टवेयर में बदल सकते हैं। यानी शुरुआत आप कहां से करेंगे, प्रोग्राम लिखने से, और फिर आप 10-20 प्रोग्राम लिख लीजिए, उन्हें एक जगह जोड़ दीजिए, जैसे मैंने कहा कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर में तो कई फंक्शन होते हैं, जोड़ना एक फंक्शन है उसका, उसका अलग प्रोग्राम लिखिए, घटाना अलग फंक्शन है उसका अलग प्रोग्राम लिखिए, डिवाइड करने का अलग लिखिए, भाग करने का, गुणा करने का, स्क्वायर निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का, ये अलग अलग प्रोग्राम लिखिए आप। लेकिन अगर उनसे सभी को हम मिला के एक जगह ले आए और नाम दे क्या कैलकुलेटर, तो ये क्या बना, ये सॉफ्टवेयर हो गया। छोटा से उदाहरण है सॉफ्टवेयर का कि मैंने आज एक कैलकुलेटर बनाया, यानी मैंने एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बना दिया। कैसे, 8 या 10 प्रोग्राम लिख के अलग अलग। तो या तो आप 8-10 अलग अलग प्रोग्राम लिखिए और या उन्हें बाद में एक जगह इकट्ठा कर दीजिए। तो एक जगह इकट्ठा करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, जो उनको इकट्ठा कर दे और हम एक जगह से एक साथ चला सके, तभी वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा और तभी किसी के काम का होगा। जैसे आप लेगा कैलेंडर, अब कैलेंडर ठीक है सॉफ्टवेयर हो सकता है, लेकिन उसके अपने अपने कुछ विभिन्न विभिन्न उसके कुछ आइटम होगा कैलेंडर के, कि मैं डेट देखना चाहता हूँ, मंथ देखना चाहता हूँ, क्या देखना चाहता हूँ। तो लैंग्वेज अगर आपने सीख ली तो फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को लिख सकते हैं। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, लैंग्वेज विच इज यूज टू राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम, उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज जिसको आप कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखने के लिए यूज कर सकें, उसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज तो सभी जानते हैं, भाषा, भाषा तो वो है जिसको बोल के लिख के हम कुछ और कार्य करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये परिभाषा है, एनी लैंग्वेज विच कैन बी यूज टू राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम। और प्रोग्राम क्या बताया मैंने, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई 2 नंबर जोड़ना है, इसके लिए प्रोग्राम लिखिए, तो आप कहेंगे कि पहले हम 2 नंबर लेंगे, है ना, टेक 2 नंबर्स। जब तक 2 नंबर नहीं था, किसको जोड़ रहे हैं, तो आपने कहा पहले हम 2 नंबर लेंगे, टेक 2 नंबर्स, कोई भी 2। अब आपको उसमें ये भी सोचना पड़ेगा कि भाई ये 2 नंबर इंटीजर है या फ्लॉट है, यानी पूर्ण नंबर है या दशमलव नंबर है। मैंने आपसे कहा 20 और 30 को जोड़िए, ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो 20 और 30 को जोड़ दे। फिर मैंने कहा आप ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो 20.75 और 30.9000 को जोड़ दे। तो दोनों में फर्क है, कंप्यूटर के लिए दोनों में फर्क है, आपके लिए फर्क है, इसमें और इसमें फर्क है, ये पूर्ण संख्या है, दशमलव संख्या है, गणित में ऐसा कहा जाता है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहा जाता है, इसको इंट कहते हैं, सी की भाषा में इसको इंटीजर कहा जाता है। डाटा टाइप आप पढ़ेंगे, आप आपको जो नोट्स मिले हैं या स्टडी मटेरियल, उसमें आप कहीं पढ़ेंगे चैप्टर डेटा टाइप्स, वहां आपको ये बताया गया डाटा टाइप में कि कितने तरह के डाटा टाइप आप सी में यूज कर सकते हैं। तो जब मैंने कहा कि 20 और 30 को जोड़ने का कार्यक्रम बनाइए, प्रोग्राम बनाइए, पूर्ण नंबरों पे काम कीजिए, तो आप उन्हें हमेशा इंटीजर डिफाइन करेंगे। आप ऐसे लिखेंगे इंट ए कॉमा बी। अब चूंकि ये भाषा है, लैंग्वेज है, तो इसका अपना सिंटैक्स है। जैसे हम कहते हैं राम जाता है, उसके बाद पूर्ण विराम आना चाहिए, राम गोज फुल स्टॉप आना चाहिए, नियम है भाषा का। ऐसे सी प्रोग्रामिंग का क्या नियम है कि किसी भी स्टेटमेंट के बाद एक सेमीकोलन आना चाहिए, वो उसकी पूर्णता बताता है कि इसके बाद यह स्टेटमेंट पूर्ण हो गया। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो इसको एरर माना जाएगा, जैसे व्याकरण में भी गलत माना जाता है, आपने राम जाता के बाद पूर्ण विराम नहीं लगाया, तो वैसे तो ठीक है बोलने में, लेकिन ग्रामेटिकली गलत है। तो जब आपने कहा इंट ए कॉमा बी, इसका मतलब मैंने इंटीजर प्रकार के, इंटीजर डेटा टाइप के 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इसको क्या कहा जाएगा सी की भाषा में, वेरिएबल। गणित आपने पढ़ा है 10वीं तक या 12वीं तक, तो आपने शब्द सुना होगा कहीं वेरिएबल, यानी जिनकी वैल्यू बदले उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं, इसकी भविष्य में वैल्यू बदल सकती है, उसको वेरिएबल कहा जाता है। तो आपने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए ए और बी प्रोग्राम बनाने के लिए, जो किस तरह के हैं, इंट टाइप के।
यानी भाषा क्या कहते हैं सी लैंग्वेज कि पहले डाटा का टाइप बताएंगे, फिर स्पेस छोड़ेंगे, फिर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा से मालूम पड़ता कि अब दूसरा वेरिएबल शुरू हो गया। अगर मैं ऐसे लिख दूं int a कॉमा b कॉमा c, इसका मतलब मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, एक का नाम a, एक का नाम b और एक का नाम c। ऐसे आप चार भी कर सकते हैं, a कॉमा b कॉमा c कॉमा d। कॉमा से मालूम पड़ता है कि आपने कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए, और int से पता लगता है कि उसका टाइप क्या है। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं प्लॉट ए कॉमा बी कॉमा सी, तो उसका मतलब यह हुआ कि नाम तो ए बी सी है, वैसे ये ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, एक ही नाम का एक ही वेरिएबल होता है, तो इसलिए मैं इसको अभी ए वन बी वन सी वन कर देता हूं। यानी अगर एक ही प्रोग्राम में बना रहे हैं तो हमेशा अलग नाम रखेंगे, एक नाम के दो वेरिएबल नहीं हो सकते। आपको इंट भी डिक्लेयर करने थे, फ्लोट डिक्लेयर करने थे, आपसे कहा गया था कि राइट ए प्रोग्राम टू डिक्लेयर थ्री इंट एंड थ्री फ्लोट, ऐसा प्रोग्राम लिख के दिखाइए। ये प्रश्न आ गया परीक्षा में कि दो तीन इंट और तीन फ्लोट डिक्लेयर करने के बारे में बताइए कैसे किए जाएंगे, तो आप कैसे लिखेंगे इंट ए कॉमा बी कॉमा सी फ्लोट ए वन कॉमा बी वन कॉमा सी वन। तो ये आपके छह वेरिएबल हो गए, ठीक है। तो ये फ्लॉट से मतलब ये अब ये A1, B1, C1 डेसिमल नंबर को स्टोर कर सकते हैं। हमने कंप्यूटर के बारे में बता दी भाषा के थ्रू कि जब प्रोग्राम चलेगा हम A1, B1, C1 में दशमलव वाली संख्याएं फ्लॉट वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, हमारा कार्य या प्रोग्राम ठीक चलेगा। ऐसे आप अपने चैप्टर में पढ़ेंगे कैर C1 कॉमा C2, ऐसे मैं लिखा, इस कॉलम मैंने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यानी इनमें मैं एक सिंगल अल्फाबेट स्टोर कर सकता हूं, सिर्फ ए या बड़ा ए या स्लैश या हैश या क्वेश्चन मार्क। यानी अगर आपका नाम रमेश है तो आप रमेश को इसमें स्टोर नहीं कर सकते, सिर्फ आर स्टोर करेगा ये, क्योंकि ये कैर है, एक ही वैल्यू स्टोर करता है, सिंगल अल्फाबेट ओनली। इसमें आप नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, वन भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने वन स्टोर कर दिया तो फिर इस पर कोई अर्थमेटिक कार्य नहीं होगा, फिर जोड़ने घटाने काम इसमें आप नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि मुझे किसी नंबर को कॉन्स्टेंट की तरह यूज करना है, जैसे मेरे कार का नंबर है, तो उसको भी हम कैर डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने कहा नहीं इस 500 को तो 600 के साथ जोड़ना है, तब उसे हमेशा इंट डिक्लेयर करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है अगर भविष्य में वेरिएबल के साथ, तो उसको आप इंट या फ्लोट डिक्लेयर करेंगे, कॉन्स्टेंट रखना है तो आप उसे कैर करेंगे, लेकिन ऐसा मैंने बताया रमेश अगर रखना है तो फिर आप इसको नहीं रह सकते कैर में, तो फिर हमें इसका एरे बनाना पड़ता है, कैर ए और इसको ऐसे डिफाइन करता है एरे को, ये एरे का एक सिंटेक्स है सी में, और यहां लिखते हैं 20, यानी अब ये स्ट्रिंग बन गया, अब इसको स्ट्रिंग कहते हैं। अब आप इसमें 20 कैरेक्टर तक स्टोर कर सकते हैं, इसको एरे कहा जाता है, सी में इसको एरे माना जाता है, एरे मतलब जो एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सके एक ही नाम में। तो ये इसका सोल्यूशन है सी लैंग्वेज में। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर बताइए अगर मैं अपना नाम मदर स्टोर करना चाहूं तो कैसे करूं, मेरा नाम तो मदर मोहन मालवीय है, मैं अपना नाम कैसे स्टोर करूं, कह रहे मैं तो हो नहीं पा रहा। उसका समाधान क्या है कि आप उसे एरे डिक्लेयर कीजिए, और एरे को डिक्लेयर करने का तरीका है दो बड़े ब्रैकेट और उसके अंदर उसके डायमेंशन, आप कितने साइज का एरे लेना चाहते हैं। अगर मैं 50 लिख दूं इसका नहीं ये होगा कि आप इसमें 50 करेक्टर तक स्टोर कर सकते हैं, उसको एक नाम भी देना होगा, जैसे मैंने ए नाम दिया तो इसको हम एरे कहते हैं, इसको एरे कहा जाता है। तो डेटा कितने हुए, मोटे मोटे इंट फ्लोट कैर और एरे, इनका हम प्रयोग भविष्य में प्रोग्राम बनाने के लिए करेंगे इन डेटा टाइप्स का। आप समझ रहे होंगे कहां पर क्या प्रयोग करना है, इंट कहां प्रयोग करेंगे, फ्लॉट कहां प्रयोग करेंगे, और कैर कहां प्रयोग करेंगे, कैर का एरे कहां पर प्रयोग करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जब आपसे कहा गया कि भाई दो नंबर जोड़ने का प्रोग्राम बनाइए, तो आपने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या थी अपने कंप्यूटर को, टेक टू नंबर, दो नंबर लो, आपने लिखा सबसे पहला स्टेप टेक टू नंबर्स, दो नंबर लीजिए, फिर आपने कहा एड
टू नंबर्स, दो नंबर आपने ले लिए पहले 20 और 30 सपोज एग्जांपल के लिए, आपने कहा ऐड टू नंबर्स। अब ये तो आपने इसको एल्गोरिथम कहता है, ये जो आप ऐसे लिख रहे हैं सिंपल सिंपल इंग्लिश में, इसे आप एल्गोरिथम कह सकते हैं। एल्गोरिथम यानी आपसे अभी स्टेप बता रहे हैं। तीस नंबर आपने कहा स्टोर रिजल्ट, चौथे में आपने कहा प्रिंट रिजल्ट, इसको क्या कहते हैं, ये एल्गोरिथम है, दिस इज नोन एज एल्गोरिथम। यानी जब आप कंप्यूटर के प्रोग्राम को सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेप वाइज लिख रहे हैं, सिक्वेंशनली इंस्ट्रक्शंस को आप लिख रहे हैं कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, दैट इज नोन एज एल्गोरिथम, एल्गोरिथम कहा जाता है। तो अगर आपने एल्गोरिथम ठीक से लिख ली तो थोड़ा सा आपका भविष्य प्रोग्राम ठीक बन सकता है, क्योंकि इसको फिर हम प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें सी लैंग्वेज की सिंटैक्स की जानकारी है। अब नंबर दो आपने कहा ऐड टू नंबर्स, ऐड करने के लिए आपको ऑपरेटर्स चाहिए, बिना ऑपरेटर के आप ऐड कैसे करेंगे। मैं ये भी लिख सकता हूं सबट्रैक्ट, मैं ये भी लिख सकता हूं डिवाइड टू नंबर्स, मैं ये भी लिख सकता हूं मल्टीप्लाई टू नंबर्स। यानी अब इस भाषा में सी लैंग्वेज में आपके पास ऑपरेटर्स भी होने चाहिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर, सबसे पहले आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये सी में दिए गए हैं जो सिलेक्टेड है, फिक्स है, आप अपनी पुस्तक के चैप्टर देख सकते हैं कि कितने अर्थमेटिक ऑपरेटर मान्य है इस सी लैंग्वेज में, जो मोटे मोटे हैं जैसे प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई का स्टार लगाते हैं डिवाइड है परसेंटेज का प्रयोग किया था मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं उसको, एक करेक्ट साइन होता है इसका प्रयोग किया था। तो इसके अंदर बताया गया कि प्लस को जोड़ने के लिए माइनस को घटाने के लिए इसको मल्टीप्लाई के लिए को डिवाइड के लिए इससे मॉडुलस निकालते हैं परसेंटेज से, हमने कहा कि 5/2 तो इसका आंसर 1 आएगा अगर ये लगाएंगे तो। मॉडुलस बताता है कि जब 2 से 5 को हम भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आपने गेट में पढ़ा होगा रिमाइंडर, ये ऑपरेटर आपको रिमाइंडर देता है। और अगर आप डिवाइड का यूज करेंगे सीधे सीधे तो आपको 2.5 आंसर मिलेगा फिर। तो डिवाइड में और परसेंटेज में क्या अंतर है कई बार पूछा जाता है प्रश्नों में, ऐसा प्रश्न आता है परीक्षा में कि 2 इसका आंसर क्या होगा बताइए, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया आपसे, सॉरी मैं गलत लिख दिया जल्दबाजी में, तब भी ठीक टू आ जाएगा, हाँ तब भी ठीक आएगा 2 आएगा, मैंने तो आपसे ही बताया 2 आएगा इसका आंसर आएगा, क्योंकि इसका रिमाइंडर 2 ही आएगा, इसको भी कह सकता है। लेकिन जब आप 2 ऐसे करेंगे तब इसका आंसर 0.10 या 0.40 आएगा, ये इसमें फर्क है। ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर परीक्षाओं में, जब कभी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि भाई इसमें उसमें क्या अंतर है, या इसका आउटपुट क्या आएगा और इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर आपने पढ़ाया तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल ऑपरेटर्स है अर्थमेटिक वो आप यूज कर सकते हैं सभी, जब जोड़ना होगा तो आप इसका यूज कीजिए, घटाने के लिए माइनस यूज कीजिए, डिवाइड यूज कीजिए, मल्टीप्लाई यूज कीजिए, परसेंट यूज कीजिए, इनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। तो कैसे इनका यूज करते हैं अर्थमेटिक का है, देख लीजिए, अब जैसे हम कहते हैं कि भाषा का अपना एक सिद्धांत होता है, तो सी भाषा के भी अपने कुछ सिद्धांत को फॉलो करना है। जैसे जब आप किसी को एप्लीकेशन लिखते हैं आपका पत्र लिखते हैं तो जरूरी होता है उसको 2 जरूर लिखे ऊपर, 2, द प्रिंसिपल, 2 द डायरेक्टर, उसके बिना सही नहीं माना जाता, उसमें आपके नंबर काट ले जाते हैं, ये प्रार्थना पत्र बिल्कुल गलत है आपका। ऐसे ही सी लैंग्वेज के अपने कुछ सिद्धांत है, उसका अपना एक मोटा मोटा बॉडी है प्रोग्राम को लिखने की, कंप्यूटर पर बैठ के लिखने की, या जब आप उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे तो भी ऐसे लिखेंगे। जब आपसे कहा जाएगा राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 3 नंबर्स इन सी लैंग्वेज, तब आपको सी का ही सिंटैक्स प्रयोग करना है। जब आपसे कहा जाएगा राइट ए एल्गोरिथम टू ऐड 3 नंबर्स, तब आप वो एल्गो लिखेंगे, नंबर वन टेक 3 नंबर्स, ऐड 3 नंबर्स, स्टोर द नंबर्स, प्रिंट द नंबर्स, तब तो आप ऐसे लिखेंगे जब एल्गो कहा गया। जब आपसे कहा गया नहीं राइट ए सी प्रोग्राम, पूरा प्रॉपर सी प्रोग्राम लिखे, तब आपको प्रोग्राम लिखना है। तो उसके कुछ सिद्धांत है, जैसे सबसे पहले सबसे ऊपर सी प्रोग्राम में किसी भी ये 2 फाइलों को लिखना जरूरी होता है, जब भी आप सी का प्रोग्राम बनाए सबसे ऊपर हैश इंक्लूड जरूर लिखे, ये हैश है, इसको हैश कहते हैं। आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे आपको ऐसे मिलेगा एक सिंबल, इस तरह से कुछ बना हुआ कीबोर्ड में कहीं, इसको हैश कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में, सी की भाषा में हैश।
इंक्लूड लिखेंगे। इंक्लूड क्या है, ये कीवर्ड है, इसको हम कीवर्ड कहते हैं। जैसे इंग्लिश में कुछ फिक्स शब्द है एप्पल, उसे आप बदल नहीं सकते, एप्पल हमेशा एप्पल ही रहेगा, बनाना हमेशा बनाना ही रहेगा, बॉय हमेशा बॉय ही रहेगा, वो आप नहीं बदल सकते। तो कीवर्ड कभी बदले नहीं जाते, कीवर्ड वही होते हैं जो डिफाइंड है लैंग्वेज में, उन्हें आप बदल नहीं सकते, वही लिखना पड़ता है सेम टू सेम। हाँ बाकी चीजें आप बदल सकते हैं, वेरिएबल का नाम आप अपने मन से कर सकते हैं, इंट रमेश कर सकते हैं, इंट ए कर सकते हैं, लेकिन इंट नहीं बदल सकते, इंट हमेशा इंट ही रहेगा, प्लॉट हमेशा प्लॉट ही रहेगा, वो कीवर्ड है, वो भाषा का अपना शब्द है, भाषा के शब्द को आप नहीं बदल सकते, सेंटेंस बदल सकते हैं ये कीवर्ड में, और नॉर्मल आप जो वर्ड देंगे उसमें फर्क होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट आर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो कीवर्ड्स वो चीजें हैं, वो शब्द है जो सी के अपने द्वारा उसके शब्दकोश में रखे गए हैं, जिनका आप प्रयोग किसी और तरीके से नहीं कर सकते, वैसे के वैसे ही लिखना पड़ता है। तो किताब में दिया गया कितने कीवर्ड है, 32 या 35 जितने भी हैं, उन कीवर्ड का आप प्रयोग करेंगे हमेशा। तो इंक्लूड है कीवर्ड है, इसका आप लिखते हैं स्पेस छोड़ के, जब भी दो वर्ड लिखेंगे बीच में स्पेस आएगा, इन नियम सी का कि दो शब्दों के बीच में आप एक स्पेस छोड़ेंगे। जैसे हम जिंदगी में होता है जब लिखते हैं द मैन, तो द मैन के बीच आप एक स्पेस छोड़ते हैं, द बॉय, तो द के बाद हमेशा आप एक स्पेस छोड़ते हैं, तभी भाषा में ठीक माना जाता है। ऐसे यहां पर भी है, इंक्लूड के बाद आपने अलग लिखना है, तो आप लिखेंगे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, और इसको ऐसे बंद कर देंगे, ये भी डिफाइंड है, इसको आप नहीं बदलेंगे, इंक्लूड स्पेस स्टूडियो डॉट एच, और एक और कर ले तो अच्छा है, कॉनियो डॉट एच, ये दो फाइल आप जरूर प्रयोग करें, बेसिक है, बाकी भविष्य में और बताएंगे और फाइलों के बारे में आपको। छोटे प्रोग्राम लिखने के लिए इनका प्रयोग जरूरी है, इनको हेडर फाइल कहा जाता है, ये नाम आप समझ लें, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है व्हाट इज हेडर फाइल, हेडर फाइल क्या होती है, ये हेडर फाइल्स वो होते हैं जिनमें सी के वो फंक्शन रखे गए जिनका भविष्य में प्रयोग करेंगे, बने बनाए फंक्शन, सी के जो रेडीमेड फंक्शन है इनका आप अभी प्रयोग करेंगे, प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, आगे पढ़ेंगे, वो इन फाइलों में रखे गए हैं, यानी पहले से बना देंगे, आपको खाली यूज करना है। जैसे आपका मोबाइल फोन होता है तो कुछ फंक्शन पहले से बना के रख दे गए, ब्लूटूथ ऑन, आपको खाली उसको यूज करना होता है, ऐसे ही कुछ फंक्शन पहले से बना के रखे गए हैं, आप उनका सीधे सीधे प्रयोग कर लेंगे, लेकिन उनको प्रयोग करने से पहले जरूरी है कि आप हेडर फाइल को इंक्लूड करें। तो इंक्लूड कीवर्ड है, ये हेडर फाइल है, ये भी हेडर फाइल है। अब अगला नियम, किसी भी सी प्रोग्राम में हमेशा एक मेन फंक्शन होना चाहिए, शुरुआत हमेशा इससे होगी, और उसकी ऐसे ये नियम है, कोई भी सी प्रोग्राम हमेशा मेन से शुरू होता है, बेसिक प्रोग्राम जो होता है, और उसका ओपनिंग और क्लोजिंग होती है कर्ली ब्रेसेस से, स्टार्ट और एंड, जो भी आप लिखेंगे आप इसके अंदर लिखेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। एक नियम और याद रखें, अगर आपने दो ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस ली है तो दो क्लोजिंग होने चाहिए जब बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे, अगर तीन लिए ओपनिंग तो तीन ही क्लोजिंग होने चाहिए, नहीं तो आपका प्रोग्राम में एरर आती है, कंपाइलर उसको कहता है। अभी के लिए आज के हम छोटी छोटा प्रोग्राम बना रहे हैं तो दो ही लेंगे। अब आपने ये बॉडी तैयार, सबसे पहले हर प्रोग्राम में आपको तो लिखता लिखना है, बाकी बातें बाद में सोचिएगा, जब भी आपसे कहा राइट ए सी प्रोग्राम तो ये तो लिखना लिखना है, ये चार लाइन है, बीच में वो लिखेंगे जो हमसे करने के लिए कहा गया, जब आपसे कहा राइट ए प्रोग्राम टू एड थ्री नंबर्स तो उसके हिसाब से लिखेंगे, आपसे कहा राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई फाइव नंबर्स तो उसके हिसाब से लिखेंगे, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड तो उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसी हिसाब से आप प्रोग्राम पर चलेगा। तो मैंने कहा कि चलिए आज सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराइए, ये सबसे आसान प्रोग्राम सीखते हैं आज हम, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना सी में, तो आपने लिख दिया। अब आपको बताना चाहिए कि प्रिंट कराने के लिए, या प्रिंट कराने से मतलब है स्क्रीन पर प्रिंट होना, आपके मॉनिटर पर भी प्रिंट होगा, या प्रोग्राम चलाएंगे तो ये चीज आपके मॉनिटर पर प्रिंट होकर आएगी, इसमें दिखेगी लिखी हुई जो भी आप लिखेंगे। तो उसके सी में फंक्शन दिया गया है प्रिंट एफ, पी आर आई एन टी एफ, और जैसे शुरू में बताया था मैंने, कोई भी स्टेटमेंट हमेशा सेमीकोलन से बंद करना जरूरी होता है। प्रिंट एफ एक बना बनाया फंक्शन है सी लैंग्वेज का, जो आपकी दी गई चीजों को
मॉनिटर पर प्रिंट करता है, चाहे वो आपका फिक्स स्ट्रिंग हो या वेरिएबल की वैल्यू हो या कुछ भी हो, यानी आपको कुछ भी प्रिंट करना है स्क्रीन पे, तो आप प्रिंट एफ का प्रयोग करेंगे। सी के बारे में कहा जाता है केस सेंसिटिव है, उसका मतलब यह है कि पी बड़ा कैपिटल नहीं कर सकते आप, एफ कैपिटल नहीं कर सकते आप, लिक्विड में आई हमेशा स्मॉल ही रहेगा। सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर आप ऐसे लिख देंगे जल्दबाजी में पी बड़ा करके आर आई एन टी एफ तो एक गलत माना जाएगा। थ्योरी में तो सकता है आपको नंबर दे दिया जाए, लेकिन जब आप कंप्यूटर पे इसको चलाएंगे तो प्रोग्राम आपका नहीं चलेगा, एरर आएगा। यहाँ पर कंपाइलर क्या देगा, यहाँ पर गलती ठीक कीजिए, क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, एम बड़ा नहीं हो सकता, मेन का हमेशा छोटा ही रहेगा। तो जो उसके कीवर्ड्स हैं उनमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हाँ, आप ऐसा लिख सकते हैं इंट कैपिटल ए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपका दिया हुआ नाम है। आप ये भी लिख सकते हैं इंट स्मॉल है तो भी ठीक है, लेकिन आपने इंट का आई बड़ा कर दिया ऐसा लिखा तो ये गलत है। तो मैंने कहा प्रिंट कराओ आज हेलो वर्ल्ड, तो आपने लिखा प्रिंट एफ और इसके बीच में कोटेशन लगाते हैं डबल। कोई भी आपको स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, फिक्स स्ट्रिंग, हेलो यूसर प्रिंट कराते हैं, चूंकि हम यूसर में आज ये क्लास ले रहे हैं तो हम हमेशा वर्ड ही क्यों प्रिंट कराएं, हम आज हेलो यूसर प्रिंट कराएंगे सभी मिलके। तो हम लिखे एच ई एल एल ओ और यूसर आर सी और इसको यहाँ पर बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, हेलो यूसर। कुछ पुस्तकों में आप पढ़ेंगे अपने स्टडी मटेरियल में, इसके बाद ये लिखा होता है गेट सी एच, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब आप प्रोग्राम चलाएंगे तो आपकी स्क्रीन रुकेगी, वेट करेगी, रुकी रहेगी जब तक कि आप कोई कीबोर्ड से कैरेक्टर प्रेस नहीं कर देंगे। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जब आप प्रोग्राम चलाएंगे तो हेलो प्रिंट तो होगा पर आपको दिखेगा नहीं, वो निकल जाएगा बाहर मॉनिटर से, प्रिंट करके मॉनिटर वॉश हो जाएगा अपने आप। तो कुछ पुस्तकों में, कुछ बुक्स में, कुछ स्टडी मटेरियल में इसके बाद या प्रोग्राम के अंत में गेट सी एच लिखा होता है। इसका तात्पर्य कुछ ज्यादा नहीं है, यह कुछ काम नहीं कर रहा ज्यादा, बस स्क्रीन को रोकने का काम करता है। एक ट्रिक है कि मैं जो प्रिंट करना चाहता हूँ उसको एक बार पढ़ लूँ, देख लूँ और फिर आगे बढ़ूँ, एक बटन दबाऊ में कोई भी कीबोर्ड का और मेरा प्रोग्राम आगे बढ़ जाए। तो कुछ लोग उसको गेट सी एच ई भी लिख देते हैं, दोनों चलता है, गेट सी एच या गेट सी एच ई, अधिकतर गेट सी एच का प्रयोग किया जाता है। यानी जस्ट कोई करेक्टर गेट करो, उसका सीधा मतलब यह है कि आप कीबोर्ड से कोई करेक्टर गेट कीजिए, जब तक कुछ ना दबा जाए तब तक आप रुके रहिए और जब को दबाया तो आप चल जाइए, इसके हट जाएगी। ठीक है, अब आपने ये प्रोग्राम लिख लिया, ये प्रोग्राम आप लिखेंगे कहां? इसके लिए आपको अपने सिस्टम में एक टर्बो सी कंपाइलर पहले डाउनलोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप कहीं से भी इंटरनेट से या कहीं से अपने किसी स्कूल से या कॉलेज से इंस्टीट्यूट से एक टर्बो सी कंपाइलर, ये फ्री उपलब्ध है इंटरनेट पर, वहां से ले आइए और इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए टर्बो सी कंपाइलर को। और जब आप इसकी आइकन को, जैसे आप अपने डेस्कटॉप में इंटरनेट में आप एप्लीकेशन चलाते हैं, आप सभी को आती होंगी चलानी, जैसे आप अपने मोबाइल फोन में व्हाट्सएप चलाने क्या करते हैं, व्हाट्सएप को प्रेस करते हैं, ऐसे आपके कंप्यूटर में इसका कहीं एक लिंक बन जाएगा, आइकन बन जाएगा, आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, स्क्रीन खुलेगी, विंडो खुलेगी, उस विंडो में आप उसको टाइप करेंगे इस प्रोग्राम को। यानी भाषा आपने सीख ली पर उसको लिखने के लिए आपको टूल्स चाहिए ना, उसके जब तक टूल्स नहीं आप उस भाषा को लिखेंगे कैसे? आपने कहा मुझे टाइपिंग करनी है कंप्यूटर में, लैपटॉप तो आपके पास है लेकिन उसका सॉफ्टवेयर है आपके पास, एमएस वर्ड आपने डाला, नोटपैड आपने डाला, वर्डपैड आपने डाला, नहीं डाला। आपने कहा मेरे फोन में गाने, मैं गाने सुनना चाहता हूँ, तो गाना सुनने के लिए कि आपके पास उसका प्लेयर है, कि आपने म्यूजिक प्लेयर डाउनलोड किया या मूवी प्लेयर डाउनलोड किया या मीडिया प्लेयर डाउनलोड किया, अगर वो आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आप अपने मोबाइल फोन में गाना नहीं सुन सकते। ऐसे अगर कोई विद्यार्थी लैंग्वेज को थ्योरी में सीखने के बाद उसका प्रोग्राम बनाना चाहे सिस्टम पर बैठ के, तो ये जरूरी है कि वो उसको पहले उसके सॉफ्टवेयर को पहले अपने सिस्टम में कहीं से ले ले, इंस्टॉल कर ले। भविष्य में हम अपना मेंटर पोर्टल पे इनके लिंक भी डाल सकते हैं कि आपको टर्बो सी का कंपाइलर कहां से मिल जाएगा, या सीधे डाउनलोड भी हमारे लिंक से कर सकेंगे, ऐसा मैं चाहूंगा यूजर के लोगों से कि वो अगर कर सके भविष्य में, कि जो हमारी ओपन सोर्स लैंग्वेज है, जो मुफ्त में उपलब्ध भाषाएं हैं उनके वहां पर वो
अपलोड करते हैं ताकि वहां से हमारा विद्यार्थी उसे डाउनलोड सीधे करके अपने सिस्टम में उसे स्वीकरण कर सके और ज्यादा उससे परेशानी ना हो। और थोड़ा सा हो जाके तो उसमें दो लाइन उसको बता दें कैसे इसको प्रयोग करना है, जैसे मैंने यहाँ समझाया, तो बड़ा अच्छा रहेगा विद्यार्थियों के लिए। वरना उनको बाजार में ढूंढना पड़ेगा जाके भाई जावा कहाँ मिलेगी, क्योंकि सब्जी भाई तो है नहीं कि कोई जावा उनको दे देगा। तो ये हम कर सकते हैं भविष्य में। तो टर्बोसी एक नाम है कंपाइलर का, सॉफ्टवेयर का, सब सभी लैंग्वेज के लिए आते हैं। जावा का अपना आता है, सी शार्प का अपना, सभी के अपने अपने। तो आपने कहा कि भाई मैंने इंस्टॉल कर लिया, अब इसको मैं रन किया, टाइप किया, अब आप इसको रन करेंगे, उससे पहले इसको सेव करना पड़ेगा। जैसे आप एमएस वर्ड में अगर आपने किया है तो आप उसे सेव करते हैं, जैसे व्हाट्सएप की कोई इमेज आपको अच्छी लगती है तो आप क्या करते हैं, आप उसे अपने फोन में सेव कर लेते हैं, वो आपके फोन में फोल्डर में आके सेव हो जाती है। जो आपको अच्छी लगती है इमेज, वो आप उनको डिलीट कर देते हैं। ऐसे यहाँ पर इसको आप एक सेव करेंगे, इसको एक नाम देना पड़ेगा, जो आप सेव करेंगे आपसे नाम पूछेगा। तो आपने कहा कि आज के लिए मैं इसका नाम लिख देता हूँ प्रोग्राम वन डॉट सी, जैसे वर्ड में डीओसी होता है, डॉक होता है, एक्सेल में एक्सेलएस होता है, पावर पॉइंट में पीपीटी होता है, ऐसे एक्सटेंशन क्या रहेगा डॉट सी। तो आप इसको प्रोग्राम वन डॉट सी के नाम से सेव कर देंगे। हो सके तो याद रखिए कहाँ सेव किया, भाई कल जब आप दोबारा काम करने बैठे आपको बताओ कि मेरा प्रोग्राम कहाँ सेव था। तो ये सेव कर लिया आपने, अब आप इसको मेनू के द्वारा वहां पर ऑप्शन वगैरह करने का, नहीं तो कंट्रोल F9 याद रखिए, कंट्रोल की एक होती है CTRL कीबोर्ड में, उसके साथ आप F9 प्रेस कीजिए, फंक्शन की ऊपर होते कीबोर्ड पे F9 हमें लिखा होगा, उसे आप दबाएं कंट्रोल F9 तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा कंट्रोल F9 से। और आपको आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो यू सर, ये लिखा हुआ आएगा। अब मैं आपसे कहूं कि चलो आपने ये तो प्रिंट करा लिया, अब आप दोबारा सी को मॉडिफाई करो, इसमें आप अपना नाम प्रिंट करा दो। तो कुछ नहीं करना आपने, बस प्रिंटर में जहां ये था उसको मिटा के अपना नाम डाल दीजिए। हो सकता है किसी बच्चे का नाम सपोज मुकेश है तो अपना नाम डाल दे वहां मुकेश, तो जब वो उसको प्रोग्राम को चलाएगा तो क्या प्रिंट हो गया, हेलो मुकेश प्रिंट हो गया। ये एक सिंपल सा आज हमने सी में प्रोग्राम सीखा कैसे हम एक नाम को स्क्रीन पर प्रिंट करा सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि अगर सर मैं ऐसा कर दूं कि मैं तीन प्रिंटर लिख दूं, लिख सकते हैं प्रिंटर यहां लिखो कुमार और फिर यहां लिखो प्रिंटर और फिर यहां लिखो शर्मा, तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है मुकेश कुमार शर्मा प्रिंट होगा, क्योंकि आपने तीन प्रिंटर यूज कर लिए, प्रिंटर मुकेश फिर प्रिंटर कुमार फिर प्रिंटर शर्मा। तो जब ये प्रोग्राम चलेगा तो इसका आउटपुट आएगा मुकेश कुमार शर्मा एक ही लाइन में, लेकिन ये सब एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा, ऐसे मुकेश कुमार शर्मा। आप अलग अलग लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके पीछे /n कर दीजिए, /n। तो /n एक ऑपरेटर है जो क्या करता है, नेक्स्ट लाइन के लिए होता है, यूज फॉर नेक्स्ट लाइन। यानी अगर आपको कोई चीज अगले प्रिंट करानी है तो उसके बाद आप /n का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग प्रिंट करता है। अब जल्दी से हम सीख लेते हैं ऑपरेटर का यूज करना। हम पहले लिखा एंड इसी प्रोग्राम में कॉमा सी, यानी मैंने ऊपर की कोई चेंज नहीं की है, वही इंक्लूड है, वही इंक्लूड है, वही मेन है, वही ओपनिंग है, वही क्लोजिंग है, ये हमेशा ही रहेगा। अगर आपको कॉपी पेस्ट करना आता तो आप अच्छे प्रोग्रामर जल्दी से बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये कॉपी पेस्ट करना बस उसकी बॉडी, बाकी बीच की चीजें आपको खुद देखनी पड़ेंगी। तो आपने कहा इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, इसका अर्थ यह हुआ कि आपने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए इंटीजर टाइप के, ये डेटा टाइप है इंटीजर, ये वेरिएबल है तीन ए बी और सी। अब आपने इसके लिखा ए इक्वल टू 15 और फिर सेमीकोलन, जैसे मैंने बताया बी इक्वल टू 25 फिर सेमीकोलन, और फिर लिखा मैंने सी इक्वल टू ए प्लस बी और फिर सेमीकोलन। इसका ये हो गया, मैंने ए को 15 वैल्यू पास की, बी को 25 वैल्यू पास की और फिर कहा दोनों को जोड़ के किसको दे दो, सी को दे दो, इसलिए मैं थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। ए बी जोड़ के किसके पास जाएगा, स्टोर कहाँ होगा, सी के पास होगा। तो जो जोड़ा गया 40 हुआ 40, वो जोड़ के सी के पास आ गया।
और हर एक स्टेटमेंट के अंत में सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है। अब आपने कहा इसको प्रिंट करा दीजिए, वैल्यू को सी की वैल्यू प्रिंट कराइए ताकि मुझे मालूम पड़े कि मेरा आंसर ठीक आ रहा है गलत आ रहा है। तो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ सेमीकोलन सेमीकोलन और ये क्लोज। अब यहां पर एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये वेरिएबल है, सीधा वैल्यू नहीं है, ये इंटीजर है, तो इसको प्रिंट कराने के लिए हमें एक ऑपरेटर लगाना पड़ता है परसेंट डी, फिर कॉमा लगाना पड़ता है। परसेंट डी हमेशा इंटीजर वैल्यू के लिए यूज होगा, जब भी आप इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हमेशा परसेंट डी का प्रयोग करेंगे, परसेंट डी फॉर इंटीजर। और उसके बाद आप लिखेंगे एम परसेंट एंड, और जिसको प्रिंट कराना सी को सी, सीधे आप सी नहीं लिखेंगे, उससे पहले आपको एम परसेंट लगाना है। वेरिएबल प्रिंट कराने के नियम है सी में कि वेरिएबल प्रिंट कराना है तो उससे पहले आपको एम परसेंट लगाना है। इसको एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं, एम परसेंट नोन एज एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आपने अपने कंपाइलर को बताया कि मुझे एक प्रिंट एफ कराना है, सी को प्रिंट एफ कराना है जो इंटीजर टाइप है, परसेंट डी लगाया मैंने और उसके आगे एम परसेंट लगाया क्योंकि एड्रेस मेमोरी में वहां से लाने के लिए, कोई भी वेरिएबल मेमोरी में स्टोर हो जाता है कंप्यूटर की, उसको वहां से वैल्यू लाने के लिए सी में नियम है कि आप किसी भी वेरिएबल से पहले एम परसेंट लगाएंगे। अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये एरर आएगा, वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, गलत माना जाएगा। और अगर वो इंटीजर है तो परसेंट डी लगाना भी जरूरी है। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं इसके बाद प्रिंट एफ परसेंट डी फिर परसेंट डी फिर परसेंट डी फिर कॉमा, इसका मतलब अब मैं तीन वेरिएबल प्रिंट कराना चाहता हूं एक साथ एक ही लाइन में। अभी तो मैं एक कराया था, अब मैं चाहता हूं तीनों की वैल्यू प्रिंट कराए, ए की भी बी की भी और सी की भी, क्योंकि मैं तीन प्रिंट कराया तो मैं तीन बार परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी लिखा, इसमें कॉमा नहीं आता, फिर यहां कॉमा आएगा और फिर आप लिखेंगे पहली वैल्यू ए प्रिंट करानी है मुझे, फिर बी करानी है, फिर सी करानी है, और तीनों से पहले क्या लगाएंगे एम परसेंट ऐसे, और सेमीकोलन से इसको बंद करेंगे। तो प्रिंट एफ डबल कोटेशन क्लोज परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी, मतलब तीन वैल्यू प्रिंट करानी है, कॉमा पहली वैल्यू प्रिंट होगी एंड ए। अगर मैं सी लिख दूं तो पहले सी प्रिंट हो जाएगा, जिस क्रम में लिखेंगे उस क्रम में प्रिंट होता है। अगर मैं यहां बी पे लिख दूं पहले बी की वैल्यू आएगी, तो एम परसेंट ए कॉमा एम परसेंट बी कॉमा एम परसेंट सी। अभी प्रोग्राम जब चलेगा तो पहले आपको 40 आएगा आंसर, पहले 40 दिखाएगा स्क्रीन पर, 40 आएगा पहले बिकॉज मैंने सी प्रिंट कराया, फिर ये मुझे ऐसे दिखाएगा 15 25 40, ऐसे लिखा हुआ आएगा कि पहले वैल्यू ए की 15 थी, बी की 25 थी और तीनों को जोड़ के 40 आया। तो मोटा मोटा सा है, यहां पर समझ सकते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना जरूरी है पहले। अगर मैं आपसे कहूँ 5 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाइए सी में, तो आपको 5 M1 M2 M3 M4 M5 डिक्लेयर करने पड़ेंगे, फिर उनको स्टोर करने के लिए एक सम डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसमें स्टोर होगा सम, 6 वेरिएबल आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे 5 नंबर को जोड़ने के लिए, इंट M1 M2 M3 M4 कॉमा सम। फिर आप क्या करेंगे, उनको वैल्यू असाइन करेंगे, कॉन्स्टेंट वैल्यू दे रहे हैं, अभी भविष्य में कीबोर्ड से भी कर सकते हैं पर आज के लिए आप सीख सकते हैं कॉन्स्टेंट वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। आप देखें M1 इक्वल टू 15, M2 इक्वल टू 17, M3 इक्वल टू 25, M4 इक्वल टू 27, M5 इक्वल टू लिखेंगे, फिर आप लिखें सम इक्वल टू M1 प्लस M2, फिर आप अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करेंगे, सेमीकोलन से बंद करेंगे, फिर प्रिंट एफ करा लेंगे उसको, प्रिंट एफ एक करा तो परसेंट डी कॉमा सम, और पांचों करा रहे तो परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी M1 M2 M3 M4 M5 फिर परसेंट डी सम, ऐसे करा सकते हैं। तो इस तरह से आप अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज वेरिएबल को डिक्लेयर करना है सीख सकते हैं। अब आप चाहे तो इसको बदल लीजिए, माइनस बी कर दीजिए, ये वैल्यू बदल दीजिए, इसको 25 कर दीजिए, इसको 15 कर दीजिए, तो ये दो नंबर आएगा, प्रोग्राम बन गया। अब ये दो नंबर आपको उल्टा के दिखा देगा, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देगा, अब आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये आपको डिवाइड कर देगा। अब इसमें समस्या ये आएगी कि चूंकि डिवाइड होकर फ्लॉट हो सकता है, तो आप उसको सीखो इंटर की बजाय फ्लॉट क्लियर करना पड़ेगा, और यहाँ पर एरर आएगी। प्रोग्राम चल भी जाएगा तो आपको पूरी वैल्यू दिखाएगा, डेसिमल वैल्यू काट देगा।
तो प्रोग्रामर को ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए उसको प्रोग्रामर कहते हैं, इसलिए उसको इंटेलिजेंट कहते हैं, इसलिए उसको बुद्धिमान कहते हैं। उसे पता होता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ या इस गलती से मुझे भविष्य में क्या गलतियां होंगी, है ना। क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट मिलना था वो 25.0007 मिलना था, लेकिन अब वो 25 ही मिल रहा है आपको, क्योंकि आपने कल ऑर्डर लगा दिया या उसको डिक्लेयर कर दिया, उसकी वजह से आपकी लॉस हो जाएगा या बैंक का लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम सी में करते हैं। तो ऑपरेटर्स का यूज हो गया इस तरीके से। अब आगे जब आप पढ़ते हैं तो कई बार डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है हमें लैंग्वेज में। जैसे आप कहते हैं मुझे खाते से पैसा निकालना है, मुझे अपने खाते से 500 रुपए निकालना है, तो पहले देखना पड़ेगा कि आपके खाते 500 रुपए है भी या नहीं, तभी तो आप पैसा निकाल पाएंगे। तो उसके लिए कीवर्ड दिया गया इफ, इफ का हम प्रयोग करते हैं सी में। इफ मैंने कहा इफ एज इक्वल टू 27, यानी अगर आपकी एज 27 है तो ये आप कर सकते हैं, ये काम हो सकता है, एल्स नहीं तो ये काम नहीं हो सकता। तो मैंने लिख दिया। अब और आसान कर लेते हैं, इस तरह समझ लेते हैं। इफ एज इक्वल टू 18 तो आप वोट डाल सकते हैं, एल्स नहीं तो वोट नहीं डाल सकते। इसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं, डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। तो इस द्वारा हम सी में लॉजिक बनाते हैं, जितने भी लॉजिक हमारे चलते हैं वो इस द्वारा ही अधिकतर बनाए जाते हैं सी लैंग्वेज में, सी प्रोग्रामिंग में। और लॉजिक के बिना तो प्रोग्रामिंग होती ही नहीं है, उससे पहले आपको इस डालनी पड़ेगी। तो इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार हम चाहते हैं कोई काम बार बार होता रहे, एक ही काम 10 बार हो जाए, एक ही काम 20 बार हो जाए, एक ही काम 50 बार हो जाए, तो उसको हम लूप से यूज करते हैं, उसको लूप कहते हैं। इसमें फोर लूप आता है सी में, एक और एक वाइल लूप आता है। लूप का काम है एक ही काम को बार बार करना, उसको लूप कहा जाता है सी लैंग्वेज में। जैसे हम कहें कि आपको एक काम 10 बार करना लगातार, तो हम एक लूप लगा देंगे, तो उस लूप के अंदर जो भी डालेंगे वो 10 बार होगी, या जब तक हम ना चाहें तब तक काम होता है, स्लो करें तभी ये चेंज होता है, उसके हम लूप यूज कर लेते हैं। तो लूप का प्रयोग रिपीटेशन के लिए होता है, किसी काम को बार बार करने के लिए हम सी लैंग्वेज में लूप का प्रयोग करते हैं, फॉर लूप का या वाइल लूप का। जैसे अगर मैं सिंपल लिख दूं यहां पर एक स्टेटमेंट, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, और इसके बीच में यहां मैं प्रिंट करा रहा हूं, प्रिंट एफ परसेंट डी एंड आई, तो क्या होगा, ये 10 बार प्रिंट होगा, ये काम 10 बार होगा, ये लूप है। लूप का सिंटैक्स होता है अपना एक फिक्स सिंटैक्स, उसका ये हमेशा कीवर्ड 4 आएगा, ये ब्रैकेट आएंगे ओपनिंग क्लोजिंग, आई इक्वल टू जाए, लूप की शुरुआत 0 से होगी, सबसे पहले 0 प्रिंट करेगा वो, अगर हम एक लिख दो तो एक से शुरुआत होगी, सबसे पहले एक प्रिंट होगा, आई लेस देन टू 10 तक जाएगा, ये 10 से आगे नहीं जाएगा, 11 प्रिंट नहीं करेगा, आई प्लस प्लस मतलब ये एक एक बढ़ेगा, तो 1 के बाद 2 प्रिंट होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, 6 होगा, 7 8 और 9 10 तक ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम लूप कहते हैं, फॉर लूप सिंटैक्स ऐसे है। तो आपसे अगर कहा जाए कि भाई राइट ए लूप टू प्रिंट 50 नंबर्स, तो आप क्या करेंगे, इसको 50 चला देंगे। आपसे कहा जाए राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ 2, 2 का टेबल प्रिंट कराना है, तो आप एक लूप लगाएंगे 10 तक का, और लूप के अंदर 2 को आई से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपको उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोग्राम बेसिक लेवल पर पूछे जाते हैं। ये काम आप वाइल लूप से भी कर सकते हैं, उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा, वाइल और यहां पर कंडीशन लेके जाती है, I less than equal to 10, उससे पहले I को हम इनिशियलाइज कर देते हैं I equal to 1, और जो भी कुछ करना प्रिंट कराएंगे, और यहाँ पर उसको हम I equal to I plus 1 कर देते हैं, या I plus plus कर देते हैं, increment या decrement कर देते हैं। While का syntax है, काम वही कर रहा है, चाहे for use करें या while use करें, बस syntax थोड़ा सा अलग है कि इसमें पहले हम उसकी वैल्यू को फिक्स कर दें, अगर 5 = 5 तो 5 से प्रिंट करना शुरू करेगा, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 10 तक जाना इसने भी,
प्रिंट करना है ये वैल्यू, यहाँ प्रिंट करा दिया प्रिंट अप, और फिर आई कोल्ड बस इसको बढ़ाना आया बढ़ाना होता है। अगर आप लूप को बढ़ाए बढ़ाए नहीं करेंगे तो लूप काम नहीं करता, फिर उसमें सिंटैक्स आ जाता है, इंटरनल लूप बन जाता है। तो ये लूप का प्रयोग होता है फॉर व्हाइल का। इसका प्रयोग डिसीजन मेकिंग के लिए करेंगे, किसी भी कार्य डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आप इसका प्रयोग कीजिए, इससे आप हर तरह का डिसीजन बना सकते हैं। और एरे मैंने बताया दिया आपको शुरू में ही, कभी अगर आपको ऐसे करना कि आपको एक ही बार में 20 वैल्यू स्टोर करानी है इंटीजर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं A20, इसको हम एरे कहेंगे। यानी अब इसमें एक ही वेरिएबल में 20 वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। नहीं तो एक काम करेंगे आपको क्या लिखना पड़ता, इंट A1, A2 ऐसे लिखना पड़ता A20 तक। आप एक ही वेरिएबल से आप 20 करा लीजिए। अगर सपोज आपके क्लास में 200 बच्चे हैं एक कक्षा में, और आप उन 200 बच्चों के बारे में कुछ स्टोर करना चाहते हैं कोई वैल्यूज, तो या तो हम A1 से A200 तक डिक्लेयर करें या हम लिखते A200। तो ये क्या हुआ, एरे बन गया। तो पहली वैल्यू क्या होगी, A0। फिर दूसरी वैल्यू क्या होगी, A1। तीसरी वैल्यू क्या होगी, A2। ऐसे लगते चलते लास्ट में A199 तक ही जाएगा और सारी वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएंगे। अब इसको प्रिंट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आपको लूप लगाना पड़ेगा, है ना। आप एक लूप लगा लीजिए बस, फॉर आई इक्वल टू 0 लेस इक्वल 199, उसके पीछे प्रिंट करा लीजिए तो सारी वैल्यू आपके एक बार में प्रिंट हो जाएंगे। तो जब बहुत सारे हमारे पास नंबर बढ़ जाते हैं, फिर हम वेरिएबल को इंटीजर डिक्लेयर नहीं करते, फिर उसको लूप में डिक्लेयर करते हैं, एरे में डिक्लेयर करते हैं। एरे किसी का बन सकता है, इंट का भी, प्लॉट का भी। और जब नाम स्टोर करना है किसी का, तब तो एरे बनाना ही पड़ेगा, कैरेक्टर का तो एरे बनाना ही पड़ेगा किसी का नाम आपको स्टोर करना है। तो इसको एरे कहा जाता है सी लैंग्वेज में। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, ऐसा कहते हैं। एक एरे में एक ही तरह के डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, उसको एरे माना जाता है। तब प्रयोग करता है जब मेरे पास वेरिएबल की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब मैं एक ही बार में उनको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो आप उसको एरे बना के प्रयोग कीजिए। और एरे के माध्यम से अगर आप प्रोग्राम बनाएंगे, छोटा बनेगा और फास्ट चलेगा। और आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे 200, तो आप ही को फिर कन्फ्यूजन होगा, उतने परसेंट डी लगाने पड़ेंगे, उतनी बार उसको इतना बड़ा सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, सम इक्वल टू A1+A2+ ऐसे करना पड़ेगा। इसमें तो आपको लिखना सम इक्वल टू सम प्लस AI, तो जुड़ता कराया जाता है वैल्यू बस। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन एरे का मतलब यह है कि एरे से कलेक्शन ऑफ सिंगल टाइप डेटा टाइप्स, उसको मैरे जाता है। एक इसमें हम यूज करते हैं बड़ा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सी का, बहुत जरूरी, वो है फंक्शंस। फंक्शंस क्या है, फंक्शंस है कि किसी एक काम को एक नाम देके रखना, उसको फंक्शन कहते हैं। जैसे आप कहते हैं स्टार्ट, या आप कहते हैं पावर ऑन। अब पावर ऑन क्या है, फंक्शन है। अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे मोबाइल के स्विच को ऑन कर देगा, मेरा पावर ऑन हो जाएगा, मुझे नहीं पता कैसे होगा। तो अगर आपने कहीं किसी प्रोग्राम में ऐसे लिखा है, सी के प्रोग्राम में, इनपुट डेटा और बस छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है, ये एक फंक्शन है जो किसी प्रोग्रामर ने बनाया है, थोड़ा एडवांस प्रोग्रामर ने बनाया। आपने उसे कॉल किया इनपुट डाटा, जैसे कॉल होगा ये अपना काम करना शुरू कर देगा। इसमें जो प्रोग्राम में लिखी है वो चलनी शुरू हो जाएगी, आपको नहीं पता उसमें क्या लिखा हुआ। और जो उसने लिखा हुआ कि पहले नाम इनपुट होगा, फिर उसका रोल नंबर इनपुट होगा, फिर उसके पिताजी का नाम आएगा, फिर माता जी का नाम आएगा, फिर ये आएगा, जेंडर आएगा, सब चीजें आएंगी, वो सब चीजें अपने आप चलने शुरू हो जाएंगी। और आपको सिर्फ इसे क्या करना, कॉल करना। यानी जो जूनियर प्रोग्रामर है उसका काम आसान हो गया, क्योंकि अभी नया नया आया है, उसे नहीं पता कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो हमने उसको कहा कि आपको भाई कुछ नहीं करना, आप बस क्या करोगे, इसे कॉल कर लोगे बस इनपुट डेटा को। इसे कॉल करते ही ऑटोमेटिकली आपको फंक्शन वहां से कॉल हो जाएगा, और सिक्योरिटी भी मिल गई, डेटा मेरा सिक्योर हो गया, कोड सिक्योर हो गया, दिख नहीं रहा है। तो इसको हम फंक्शन कहते हैं, सी में फंक्शन वाला। तो फंक्शन इज ए प्री डिफाइंड ब्लॉक दैट इज कॉल्ड बाय सम अदर पर्सन, उसको फंक्शन कहते हैं। जो किसी और द्वारा कॉल किया था वो बना पहले से होता है, वो प्री डिफाइंड है ना। आपको पहले से पता है, हमने एक स्टूडेंट से कहा कि भाई जाओ ये काम करो, तो उसको पता है वो काम उसको कैसे करना है, उसके लिए हमने डिफाइन किया हुआ है ना। तो ऐसे हम सी लैंग्वेज में क्या करते हैं, इनपुट डाटा फंक्शन बना दिया मैंने, प्रिंट मार्कशीट,
मैंने फंक्शन बनाया हुआ सपोज मार्कशीट बस। अब जब भी आपको मल्टीप्लेटर निकालने आपको क्या करना, आपको कोई प्रोग्राम नहीं लिखना, कोई कोड नहीं लिखना, आप बस इसे कॉल कीजिए प्रिंट मार्कशीट को, उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है कैसे प्रिंट होगी, कैसे वैल्यूज आएंगी, कहाँ से आएंगी, क्या होगा, आपको बदल नहीं करना, आप इसे कॉल कर लीजिए और अपने आप आपका कार्य होता रहेगा क्योंकि ये किसी और ने लिखा है। तो कई बार हम बने बनाए जैसे प्रिंटर भी फंक्शन ही था, हमने पढ़ाया, हमने नहीं बनाया खाली यूज किया, ऐसे भविष्य में आप अपने खुद के फंक्शन बनाएंगे कि कंप्यूट एवरेज मार्क्स, कंप्यूट सम, प्रिंट सम और स्टार्ट प्रिंटर, प्रिंटर स्टार्ट हो जाए अपने आप ऑटोमेटिकली। जब आपने कहा कि मुझे भाई अब पेपर में प्रिंट आउट चाहिए, तो पेपर प्रिंट आउट से पहले पहले प्रिंटर स्टार्ट तो हो, तभी तो होगा। तो आपने फंक्शन बनाया प्रिंट प्रिंटर स्टार्ट, तो जैसे आप उसे कॉल करते हैं प्रिंटर स्टार्ट हो जाता है और आपका बाद में प्रिंटर शुरू हो जाती है। तो उनको फंक्शंस कहते हैं। ये थोड़ा सा ऐसी चीजें थोड़ा आपको जब आप बेसिक समझ लेंगे सी लैंग्वेज के, आप कुछ प्रोग्राम बना लेंगे तो आपको फिर फंक्शन बनाना समझ में आएगा। अभी इतना समझ लीजिए ये रेडीमेड प्रोग्राम्स होते हैं जिसको एक नाम से हम बना के सेव कर देते हैं और उनको हम रीयूज कर सकते हैं, फिर दूसरा प्रोग्रामर हमारे बनाए फंक्शन का रीयूज कर सकता है। इसका अपना एक तरीका है, स्टाफ सिंटेक्स है काम करने का तरीका। और इसमें एक और आता है सी में, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर, एक शब्द का प्रयोग होता है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या है कि मैंने कहा स्टूडेंट, जब आप किसी स्टूडेंट के बारे में डाटा कहीं स्टोर करना चाहेंगे अपने सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम में, तो आप कहेंगे कि एक तो उसका नाम होगा वो कैरेक्टर टाइप होगा, एक उसका रोल नंबर होगा वो इन टाइप होगा, सपोज एक उसके एवरेज मार्क्स होंगे सपोज फ्लॉट टाइप हो सकते हैं। ठीक, इससे पहले मैंने बात की थी एरे की। एरे में क्या होता है कि जब आप A20 लिखते हैं इंट A20, तो आप एक ही तरह का डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं एरे में सिमिलर, यानी अगर इंटीजर का आप एरे बनाएंगे तो खाली इंटीजर ही स्टोर होगा उसमें। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर बना लेंगे स्ट्रक्चर स्टूडेंट, तो क्या फायदा, आप विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप एक जगह रख सकते हैं। ये फर्क है एरे और स्ट्रक्चर में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर पेपर में आता है, डिफरेंशिएट इन एरे एंड स्ट्रक्चर। एरे में सिर्फ सिमिलर डेटा आता है और स्ट्रक्चर में आप विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप को एक जगह रख सकते हैं और उसे फिर एक नाम से आप रेफर करेंगे स्टूडेंट बस। जैसे मैंने कहा एम्प्लॉय, तो आप बना रहे स्ट्रक्चर एम्प्लॉय। अब आपको पता है कि एम्प्लॉय के पास तो बहुत सारे वैल्यूज हम यूज करेंगे एम्प्लॉय के लिए, उसका आईडी नंबर भी होगा, उसका नाम भी होगा, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी होगी, उसकी सैलरी भी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो स्ट्रक्चर एम्प्लॉय के अंदर आप क्या करेंगे, हर तरह का अब आप डेटा टाइप यूज कर सकते हैं और आपका जब स्ट्रक्चर बन गया तो आपको एक ही नाम मिल गया एम्प्लॉय, आप उसको फिर एम्प्लॉय नाम से रेफर करेंगे बस। आपके लिए वो अब एक एम्प्लॉय हो गया, उसकी वैल्यूज आप उसके नाम से उठाएंगे या स्टूडेंट के नाम से उठाएंगे और एरे डिक्लेयर करेंगे तो एक ही तरह की आएगी। तो स्ट्रक्चर तब यूज करते हैं हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं जब रियल टाइम एंटिटी पे काम करते हैं, जब हमें रियल टाइम चीजों को वैल्यूज को स्टोर कराना होता है, किसी एम्प्लॉय की, किसी की बैंक अकाउंट स्टोर कराना है, किसी का स्टूडेंट का डाटा स्टोर कराना है, किसी फैकल्टी का डाटा स्टोर कराना है, किसी LIC एजेंट का डाटा स्टोर कराना है, किसी की बीमा पॉलिसी का डाटा स्टोर करना है, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। जब आप पॉलिसी की रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पॉलिसी में बहुत सारी चीजें आती हैं, उन सबको एक जगह रखने के लिए हम क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम नाम देंगे, कीवर्ड यूज करेंगे स्ट्रक्चर STRUCTURE और आगे स्पेस देके एक नाम दे देंगे सपोज स्टूडेंट, और फिर ऐसे ब्रैकेट लगा के उसके अंदर हम उसको डिफाइन कर देंगे पूरे अपने स्ट्रक्चर को, क्या करना चाहते हैं 10-20 बार जो भी लेना चाहते हैं उसके अंदर, एक तरह से उसकी सारी वैल्यू हमने एक जगह रख दी, वो हमारा वो एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया। अब हम स्टूडेंट से उसको रेफर करेंगे, student.name ऐसे रेफर करेंगे, student.age, student.marks, student.ye, student.wo, student.wo, तो उससे क्या होगा सीधे हम एक ही जगह सारी चीजों को रख सकते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर यूज ना करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर प्रोग्राम में अलग अलग रखना पड़ेगा वैल्यूज को, उससे सिक्योरिटी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करने में भविष्य में जब बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो दिक्कत आती है। जब बड़े सॉफ्टवेयर बनता है, जब बड़े प्रोग्राम बनता है, तब क्या किया जाता है कि स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है और स्ट्रक्चर में हम उनको
तो ये क्वेश्चन पूछा जाता थ्योरी में तो अधिकतर जब आप परीक्षा देंगे, व्हाट इज स्ट्रक्चर, डिफाइन स्ट्रक्चर, व्हाट इज द यूज ऑफ स्ट्रक्चर, डिफाइन स्ट्रक्चर टू स्टोर फाइव वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट, डिफाइन स्ट्रक्चर फॉर ए फैकल्टी, डिफाइन स्ट्रक्चर फॉर ए बैंक एम्प्लॉई, डिफाइन स्ट्रक्चर फॉर बैंक अकाउंट। तो आपको कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर कीवर्ड यूज करना है, उसका नाम देना है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स जो आपको याद आ रहे हैं, हो सकता है प्रश्न पत्र बताए गए हो, उनका डाटा बताना है, इंट नेम, इंट एज, कैरेक्टर, प्लॉट, जैसे आपको लगता है उसे बना के उसको बंद कर दिए तो आपका स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाएगा, बन गया स्ट्रक्चर, आपका तैयार हो गया, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो आज के लिए ये हुआ कि कीवर्ड से आप शुरुआत करें कि कीवर्ड क्या होते हैं, फिर आप ऑपरेटर्स के बारे में बात करें, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिकल, लॉजिकल, रिलेशनल, अभी आप रिलेशनल भी देखेंगे अगर उसमें एम परसेंट आता है और इस तरह से आता है, इसको एंड ऑपरेटर कहते हैं, ए एन डी, इसे और ऑपरेटर कहते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि एज इक्वल टू 18 हो एंड जेंडर इक्वल टू मेल हो, उसका कहना कि दोनों बात होनी चाहिए पूरी, इसका कहना कि दोनों बातें पूरी हो, दोनों बात सही हो, उसकी एज भी 18 साल हो, उसका जेंडर भी मेल हो, तब ये काम होना चाहिए, तब एलिजिबल है इस चीज के लिए। अगर मैं यहां और लगा दूं, इसका दोनों में से कोई एक बात सही हो जाए, या तो एज 18 साल हो या जेंडर मेल हो, तो कई बार में ऐसे लॉजिक लगाने पड़ते हैं, किसी एलिजिबिलिटी चेक करनी है किसी बच्चे की, उसने 12वीं पास की हो, उसने 10वीं में पीसीएम भी लिया हो, उसके अति भी रहा हो, ये भी रहा हो, ये भी रहा हो, ये भी रहा हो, जब आप खाता खुलवाया जाता है बैंक में तो उसमें कहीं आपको कई लॉजिक लगाने पड़ते हैं, उसके आधार कार्ड भी हो, पैन कार्ड भी हो, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, तब खाता खुलेगा। इन जब इनमें से कोई एक हो, पासपोर्ट में आप कहते हैं या तो पैन हो या आधार हो, तब आप और ऑपरेटर यूज करेंगे, तो इनको हम रिलेशन ऑपरेटर कहते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का प्रयोग होता है, ये तो जब लगेंगे तब काम आएंगे। ये सब ऑपरेटर्स हैं, एक चैप्टर है पूरा आपके एक बुक में दिया है जहां पर आप इनको पढ़ सकते हैं, ये पेपर्स में भी आता है, राइट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के ऑपरेटर्स के बारे में बताइए, उदाहरण से बताइए, तो जब आप इनके बारे में बताएंगे कि मैथमेटिकल होते हैं, रिलेशनल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, कैसे प्रयोग किया जाता है। जब आपसे पूछा जाएगा राइट अबाउट लूप्स इन सी, सी के लूप्स के बारे में बताइए, तो आप फॉर लूप के बारे में बताइए, आप व्हाइल लूप के बारे में बताइए, आप डू व्हाइल के बारे में बताइए, जब आपसे कहा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में बताइए, तो आप इफ के बारे में बताइए, जब आपसे कहा डेटा टाइप्स के बारे में बताइए, तो आप जो इंट, फ्लॉट के बारे में बताइए, आपसे हिस्ट्री पूछी जा सकती है, तो हिस्ट्री आपके चैप्टर वन में दी हुई है, वो आप पढ़ लीजिए, क्या सीखी हिस्ट्री थी, कहाँ से आई, किसने उसको इन्वेंट किया, कैसे वो बनी, किस तरह प्रयोग की जाती है, ऐसा प्रश्न के बारे में पूछ लिया जाता है। और जब आपसे सीधे प्रोग्राम बनाने लिखा जाए, राइट ए प्रोग्राम टू एड फाइव नंबर्स, तो फिर आप वही हैश इंक्लूड से शुरू करते हुए पूरा प्रोग्राम बनाइए। जब आपसे पूछा जाए एरेज क्या होते हैं, तो आप एरेज के बारे में बताइए, उसका एग्जाम्पल बताइए, सिंटेक्स बताइए उसका, डिफाइन स्ट्रक्चर इन सी, तो स्ट्रक्चर बारे में बताइए, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्या उसका प्रयोग होता है, कैसे वो लिखा जाता है, कैसे उसको डिफाइन करता है। तो इस तरह से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो सी लैंग्वेज को आप अच्छे से सीख सकते हैं, यही सीखे पूरे पूरे फंडामेंटल से। एक जो लास्ट में हम पढ़ते हैं, आखिर में पढ़ाया जाता है फाइल हैंडलिंग, सी में के बारे में कहा था, बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का मतलब है कि जो डाटा आपने रखा है वेरिएबल में, अभी आप थोड़ी देर पहले कहा था ना कि ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 6, सी इक्वल टू 10, जब आपने प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम बनाकर रन कर लिया और घर चले गए, तो ये वैल्यूज कहाँ गई, ये वैल्यूज तो वॉश हो गई, उड़ गई, तो मेमोरी में थी, रैम में थी, लेकिन मैं आप चाहता हूं कि इनको मैं कहीं परमानेंटली स्टोर कर लूं। आज जो मैंने काम किया है, मैंने आपका नाम, आपका रोल नंबर लिया, आपसे आपके मार्क्स लिए, प्रोग्राम बनाया, सॉफ्टवेयर चलाया, पर अब ये परमानेंटली कहीं सेव हो जाए, जाके अगले दिन के लिए, 10 दिन बाद के लिए, फ्यूचर के लिए, वरना किसी काम का नहीं है मेरे, वरना मार्क्स कैसे प्रिंट होगी। तो हम क्या करेंगे, तो हम फाइल हैंडलिंग करते हैं सी में, फिर हम फाइलें बनाते हैं, फिजिकल फाइलें, और वेरिएबल से वैल्यू को उठा के फाइल में ट्रांसफर करते हैं, वहां से उठेगी वैल्यू और जाके फाइल में फिजिकल फाइल बनेगी आपके हार्ड डिस्क में, उस फाइल में वैल्यू स्टोर हो जाएगी जाके। फिर दूसरा प्रोग्राम क्या करेगा, उसी फाइल को ओपन करेगा, उन वैल्यूज को वहां से उठा लेगा और उन्हें यूज कर लेगा,
रिजल्ट डेटाबेस में होता है। अगर आपने डेटाबेस पढ़ा इससे पहले, इस सत्र से पहले अगर डेटाबेस पढ़ाया गया, या जैसे आप मोबाइल फोन में करते हैं, मोबाइल फोन में आप किसी का नंबर एड करते हैं तो आप क्या करते हैं, फोन बुक में कुछ स्टोर करते हैं ना। अगर फोन बुक ना हो तो क्या हुआ, आपका नंबर तो वॉश हो गया। आपने किसी का नंबर लिया और फोन बुक में नहीं रखा तो क्या हुआ, क्या अगले दिन आप उस नंबर को यूज कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। तो फोन ने आपको क्या फैसिलिटी दी है कि आप उस फोन को, अब वहां पर एक फंक्शन आता है, अब फंक्शन का आप ऐसे समझ सकते हैं एड टू कॉन्टेक्ट, एक फंक्शन है वहां, आप सभी यूज करते हैं अपने फोन में एड टू कॉन्टेक्ट, वो एक फंक्शन है। आपको नहीं पता उसमें क्या लिखा गया, आप उसमें दबा देते हैं, इट इज ए फंक्शन, और वो चलता है और उसमें बहुत सारी बातें आपसे पूछता है कि क्या आप इनका नाम बताइए, इनका नंबर बताइए, क्या इनकी ईमेल आईडी रखना चाहते हैं, क्या इनका व्हाट्सएप नंबर रखना चाहते हैं आप, कुछ और चीजें आपसे पूछता है वो, और आप लास्ट में आप उसको सेव कर देते हैं, एडन कर देते हैं और आपका नंबर सेव हो जाता है। कहाँ सेव हुआ है, ये फाइल पे सेव हुआ, आपके फोन में फाइल बनी फिजिकल, आपके फोन की मेमोरी पे या आपके सिम पर या आपके स्टोरेज पे, और वो वहां जाके सेव हो गया। ऐसे जब आप सी में प्रोग्राम बनाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि आज जो आपने काम किया है सारी वैल्यूज को उठा के एक फाइल में सेव कर दीजिए। तो पहले आपको सीखना पड़ेगा फाइल हैंडलिंग कैसे होती है, कैसे फाइल क्रिएट होती है, कैसे फाइल ओपन की जाती है, कैसे फाइल में डाटा ट्रांसफर करते हैं, कैसे फाइल को क्लोज करते हैं, फिर भविष्य में उसको राइट मोड में कैसे खोलते हैं, उसे अपडेशन कैसे किया जाता है, इसको फाइल हैंडलिंग कहा जाता है। ये आखिरी सी का अध्याय माना जाता है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये पढ़ने का मतलब है, अगर आपने फाइल हैंडलिंग सीख ली सी में तो आपको सिस्टम प्रोग्रामिंग करनी है, आप अच्छे प्रोग्रामर माने जाते हैं जो बच्चे फाइल हैंडलिंग पे काम करना सीखते हैं। लेकिन उससे पहले क्या जरूरी है, पहले बेसिक्स पक्के करें आपने और लास्ट में फिर आप फाइल हैंडलिंग को पढ़ें और उसको समझें, क्योंकि उसके बिना कोई भी कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर नहीं बनता। अगर आप फाइल हैंडलिंग नहीं करेंगे, जैसे मैं आपको अभी उदाहरण बताया कि भाई मोबाइल फोन में आप अगर सेव करने के ऑप्शन ना हो फोन बुक को, तो हमारे लिए बेकार है, इतने सारे नंबर हम कहाँ अपने मन में याद रखेंगे। तो उसने हमें ऑप्शन दिया, लेकिन होता क्या, बैकग्राउंड में एक फाइल बनती है, उसको टेक्स्ट फाइल बनाता है और टेक्स्ट फाइल में आपके उन सब फोन नंबर को स्टोर कर देता है, और जब आप सर्च करते हैं तो वहां से उसको रिट्राइव करता है, चाहे सिम से उठाए, आपके ऐसे हार्ड डिस्क में कर सकते हैं सीखा प्रोग्राम बना के कि मेरी दी हुई सारी चीजों को एक फाइल के अंदर हार्ड डिस्क में सेव कर दे। यही सॉफ्टवेयर में होता है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में ये तो होता है, बैंकों वगैरह में आप जो भी डाटा देते हैं उसको वहां सेव कर लेते हैं, अगले दिन वहां उठा के आपको दिखा देते हैं। तो जो भी बड़े बड़े कॉमर्शियल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है वो भी सी में लिखे गए हैं, और बड़े बड़े जो हमारे हम जो डिवाइस यूज करते हैं, जैसे आप कैमकॉर्डर यूज करें या वीडियो कैमरा यूज करें या आप सीसीटीवी कैमरा यूज करें, उनके जो फर्मवेयर लिखे जाते हैं वो भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिखे जाते हैं। तो सी की बड़ी महत्ता है इस लैंग्वेज की, अगर आप इसको अच्छे सीखेंगे पढ़ेंगे तो भविष्य में आप एक अच्छे, जिसको हम कहते हैं, सीरियस प्रोग्रामर बन सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।